सब्सक्राइब करें आर्चियन ब्यूटी चैनल को, और जो है साइड में बेल दिख रहा है आपको, ये बेल को आपको क्लिक करना है। तो तीन ऑप्शन आपको मिलेगा, तो सबसे पहले ऑल वाला बेल आइकन को आपको क्लिक करना है, प्रेस करना है या दबाना है, कुछ भी बोल सकते हो। तो आप मेरी सारी वीडियोस देख सकते हो। तो सबसे पहले फ्रेंड्स मैं आपको बोलना चाहती हूँ, वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक करें, कमेंट भी ज़रूर करें, और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर करें। हेलो एवरीवन, आप सभी कैसे हैं फ्रेंड्स? आप सभी को आज बहुत ही अमेजिंग रेमेडी शेयर करूंगी, आपकी स्किन को गोरा करेगा नेचुरल तरीके से। आप यकीन नहीं करोगे, करके देखना जरूर, एक बार ट्राई नहीं करोगे तो पता कैसे लगेगा यार आज तक किसी ने बताया है या नहीं, ये इतनी अमेजिंग है। मैंने ट्राई किया हुआ है, बहुत ही ज़्यादा अच्छा है। तो जो भी मैंने ऐड किया है सारा कुछ मैं स्क्रीन पर लिख दूंगी, फिर भी मैं बताती हूँ। सबसे पहले आपको प्योर हल्दी लेना है, एकदम मार्केट से ले आना, जो सूखी हुई हल्दी होती है उसको पीसना, ग्राइंड कर लेना किसी भी तरह के, उसके पाउडर बना लेना, या अपने घर पे पौधा लगाया हुआ है तो उसको कच्चा हल्दी तो लोगे तो और भी बेस्ट है। आपको कच्चा हल्दी एक चम्मच लोगे, उसको पीस के या ग्राइंड करके कुछ भी तरीके से एक चम्मच लोगे तो और भी ज़्यादा बेनिफिशियल है। और सूखी हुई लेना चाहते हो पाउडर फॉर्म में तो नेचुरल का ही पाउडर लेना है आपको, एकदम प्योर। तो उसके बाद आपको कच्चा दूध ऐड करना है 2 से 3 चम्मच, और उसके बाद आपको लेमन जूस ऐड करना है फिर बस, और उसके बाद लास्ट में आपको 1 चम्मच बेसन ऐड करना है, और मिक्स कर लीजिए अच्छी तरीके से। इससे ज़्यादा बेटर आपको रेमेडी कहीं नहीं मिलेगा नेचुरल तरीके से स्किन को वाइटिंग करने के लिए। और मैंने कल की वीडियो में जो है आपसे शेयर किया था कि मैंने जो है चावल के आटे से फेयर कैसे, वो तो इतनी अमेजिंग है यार, कुछ भी इसको भी ट्राई कर सकते हो, उसको भी ट्राई कर सकते हो। नेचुरल चीज़ें अपने फेस पर यूज़ किया करें, ठीक है? तो सबसे पहले हमने चेहरे पे अप्लाई करना है 1 से 2 मिनट 2 से 3 मिनट के लिए, इसको मसाज करना है, स्क्रब करना है, उसके बाद फिर से अप्लाई करके इसको रख लीजिए 15 से 20 मिनट बाद, ठीक है? 15-20 मिनट जब हो जाएगा, हल्का सूखने लगेगा तो फिर से स्क्रब करना है 1 मिनट के लिए, उसके बाद ठंडे पानी से वॉश करना है। आपको ये डेली कर सकते हो, हफ्ते में 3 से 4 बार कर सकते हो फ्रेंड्स, एक ही बार में किसी के भी कलर जो है फेयर नहीं होगा। तो आपको ये धीरे धीरे करके 1 महीने 2 महीने करोगे, आपकी जो स्किन की कम्प्लेक्शन है किसी तरीके से काला हो गया है, किसी वजह से आपकी स्किन ख़राब हो चुकी है, तो ये करते जाओ आपकी स्किन दिन ब दिन इतनी फेयर, इतनी अच्छी, इतनी अमेजिंग हो जाएगा ना। दूध में जो है खूब सारा लैक्टिक एसिड होता है, उसको लगाने से आपकी स्किन क्लीन एंड क्लियर हो जाएगा, सॉफ्ट हो जाएगा, मॉइस्चराइज करेगा आपकी फेस के लिए, ठीक है? दूध से विटामिन सी होता है, भरपूर होता है लेमन में और हल्दी में, तो बात ही कुछ छोड़ो कि वो एंटीसेप्टिक गुण है, वो मेडिसिन का काम करता है, आपके चेहरे पर जितने भी फंगल इन्फेक्शन हो या कुछ भी हो यार सब ठीक करता है। और जो है बेसन तो ऑयलीपन को ठीक करता है, फेयर करता है, स्किन को टाइट रखता है, बहुत ही अमेजिंग है। ट्राई कर जरूर करें और फीडबैक मेरे साथ जरूर शेयर करें। बस आज के लिए इतना है।